मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के जनपद पंचायत ग्यारसपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हतिया खेड़ी के ग्राम घुरदा में पिछले 5 वर्षों से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी हितग्राही को लाभ अब तक नहीं मिला है। पूरे गांव में गरीबों के कच्चे मकान बने हुए हैं जो भारी बारिश में तहस नहस हो गए हैं। मकान ढह गए, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई है कि गरीबों के शुभचिंतक मसीहा से हाथ जोड़कर निवेदन है कि साहब आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि आप ही हम जैसे गरीबों का भला कर सकते हैं। इन वृद्ध जनों ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि साहब हमारे भी पक्के मकान बनवा दो। पूरे गांव में केवल लोग मोदी जी के ही चर्चे करते हैं कि वह सबके मकान पक्के बनवा रहे हैं, हमारे कब बनवाएंगे। प्रधानमंत्री जी को यह सभी ग्रामीण बड़ी ही आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। अब देखते यह है कि कर्मचारी अधिकारी इस गांव की कब तक सूद लेते हैं। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। किस गांव से हो? घुरदा। अच्छा, जन्म ग्राम पंचायत कौन सी है आपकी? हतिया खेड़ा। हाँ। तो आपके जो गांव है, पिछली 5 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास के तहत कोई कुटीर का निर्माण हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रहा है आपके यहाँ? सचिव के ना जाते हैं तो भी जाके कहते हैं कल हम तुम्हारा डाटा खत्म है, कल नेट पे चढ़ी नहीं है कुटी, ऊपर से ही नहीं आ रही, कल नेट पे खुला ही नहीं रहा गांव में। नहीं, तो गांव नहीं खुल पा रहा है नेट पे, उनका ये कहना है सचिव का। अच्छा, आपके के कितनी बार चक्कर काट चुके ग्राम पंचायत? हम तो बहुत बेर फिर आया, कम से कम 50 बेर फिर आया। अब का जनवरी में चुनाव ये दोबारा। हाँ। तो अभी तक आपको ग्राम पंचायत में एक भी कुटीर को मतलब लाभ नहीं मिला आपके गांव घुरदा में? नहीं, घुरदा में तो मिली नहीं है। प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिलो साहब, हम तो बड़ी आशा करे थे प्रधानमंत्री हजारों लाखों वोटों से जिताए, तब भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, आपने बड़ी उम्मीद से वोट दिया था प्रधानमंत्री को जी, मगर आपको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा पूरे गांव में? पूरे कच्चे मकान गिर रहे हैं जी, पानी भरा रहा घरों में। अच्छा, तो कच्चे मकान आपके पूरे इस बारिश में ढह गए कि नहीं? ढह गए साहब, सब ढह गए। मगर आपको प्रधानमंत्री से कितनी उम्मीद थी कि भैया आपका पक्का मकान बने? उम्मीद है जी साहब कि बनाएंगे अपने मकान, कब बनाएंगे वो अपन भाजाओ पंचायत में, कहते हैं भैया ऊपर से ही नहीं तुम्हारा गांव नहीं खुलो नेट पे नहीं कह रहे गांव। तो ग्राम पंचायत सचिव उनका ये कहना कि आपका नेट पे सर्च नहीं कर रहा गाँव जी। अच्छा, मेरा नाम अनिल गुप्ता है, मैं लुपिन फाउंडेशन संस्था में रीजनल मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। हमारी संस्था विदिशा के अंदर आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत सरकार के साथ मिलकर यहाँ पर विकास के कार्य कर रही है। हमारी संस्था 2 अक्टूबर को 1988 को शुरुआत हुई थी, श्री देशबंधु जी गुप्ता ने इनकी शुरुआत करी थी, और हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग सरकार के साथ मिलकर समुदाय को साथ मिलके किस तरह से सब मिलके विकास का कार्य करें। तो ये जो गाय हैं, मवेशी है, हमारे बारिश के दिन में गीला होने की वजह से रोड पे बैठ जाते हैं और इससे अनचाहा एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम इस तरह के रेडियम हम लगाते हैं यहाँ पर तो अचानक से रात में ये गाड़ियाँ को दिख नहीं पाती, लेकिन रेडियम की वजह से दिख जाएगी, तो दिखने की वजह से वो अपना ट्रक वाला या बस वाला या गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। नहीं, इससे केवल गायों की जान बचेगी, मवेशी की जान बचेगी, बल्कि इससे अनचाहा एक्सीडेंट भी हो जाता है। गाय को बचाने के चक्कर में कहीं गाड़ी उनके नीचे उतर जाती है तो उससे इस पर रोक लग सकती है। तो ये इसके अलावा और भी कौन सी सरकार के साथ योजना के साथ में काम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर जो विकास के 6 आयाम हैं, जिसके अंदर कृषि, शिक्षा, स्किल की जो ट्रेनिंग है, कुपोषण के ऊपर वित्तीय समावेश की जो योजनाएं हैं, मूलभूत संरचनाएं हैं, कृषि है, इन सभी क्षेत्रों में सरकार के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। हम लोग 2 अक्टूबर 1988 को हमारी संस्था की शुरुआत हुई थी, जिसमें हम लोग देश के जो 23 जिले हैं, 9 राज्य जो अलग अलग राज्य हैं उनमें हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से विदिशा के अंदर जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है नीति आयोग का, उसके तहत हमारा नीति आयोग के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत हम यहाँ पर सरकार के साथ और समुदाय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।